स्काई डाइविंग खुले आसमान में पक्षियों की तरह उड़ने वाला एक ऐसा एडवेंचर स्पोर्ट है जो रग रग में रोमांच भर देता है। स्काई डाइविंग को पैराशूटिंग भी कहते हैं, जिसमें लोग पैराशूट की मदद से जोखिम भरे कार्य को अंजाम देते हैं। आपने अक्सर स्काई डाइविंग एक्टिविटी को फिल्मों में देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैराशूट कैसे काम करता है? स्काई डाइविंग के पीछे साइंस का रोल क्या है? पैराशूट खुलते ही स्काई डाइविंग करने वालों का रफ्तार कम क्यों हो जाता है? आइए जानते हैं स्काई डाइविंग और स्काई डाइविंग के पीछे के फिजिक्स के बारे में। स्काई डाइविंग जो सीले खेलों में से एक है, इसे कभी कभी कुछ लोगों द्वारा खतरों के खेल के नाम से भी जाना जाता है। यह विदेशों का फेमस एडवेंचर स्पोर्ट है। स्काई डाइविंग के मामले में दुबई का स्काई डाइविंग काफी पॉपुलर है, और यह इसलिए यहाँ पाम जुमराह के ऊपर से डाइव कराई जाती है, जो स्काई डाइवर्स को अलग ही मजा देते हैं। लेकिन यह धीरे धीरे भारत में भी पैर जमाना शुरू कर दिया है। भारत में भी ऐसे कई स्थान है जहाँ स्काई डाइविंग का शुरुआत हो चुका है और भारतीय लोग भी इसका आनंद ले रहे हैं। भारत में ये स्थान नारनौल, दिशा, अलीगढ़, हैदराबाद, पौंडीचेरी, मैसूर और आम्बिवली है। पैराशूटिंग क्या होता है, कैसे होता है, लगभग आप लोग इसके बारे में जानते ही होंगे। पैराशूटिंग को अंजाम देने के लिए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या गुब्बारे से जंप लगाना होता है और कुछ देर फ्री फॉल के बाद अपना पैराशूट खोलना होता है। आमतौर पर स्काई डाइविंग लगभग 4000 मीटर यानी 12 से 13000 फीट की ऊंचाई से लगाई जाती है, जहां इतने ऊंचाई से डाइव लगाने के लिए आपको बाकायदा ट्रेनिंग लेनी होती है और फिर इस एडवेंचर को अंजाम देना होता है। आइए जानते हैं स्काई डाइविंग के इतिहास और इसके प्रकार के बारे में, और फिर इसके बाद जानेंगे कि पैराशूट कैसे काम करता है। पैराशूट के इतिहास की बात करें तो पैराशूट का डिजाइन करने का श्रेय सर्वप्रथम लियोनार्डो डा विंची को दिया जाता है, और पूर्ण रूप से सफल पैराशूट बनाने का श्रेय फ्रांसीसी व्यक्ति लुई सेबास्टियन ले नॉर्मन को दिया जाता है, जिसने 1783 में इसका सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। लेकिन वही सबसे पहला डाइव लगाने की बात आती है तो आंद्रे जैक्स गानरिन का नाम आता है, जिन्होंने 1797 में सर्वप्रथम पैराशूट कूद पूरी की थी। अब पैराशूट की प्रकार के बारे में बात करें तो यह मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, टेंडम स्काई डाइविंग, स्टेटिक लाइन स्काई डाइविंग और एक्सेलरेटेड फ्री फॉल स्काई डाइविंग। टेंडम जंप स्काई डाइविंग सबसे मशहूर और नए लोगों के लिए होते हैं। इसे सबसे कम खतरे वाला माना जाता है। इस जंप में एक प्रशिक्षित स्काई डाइवर फ्रेशर स्काई डाइवर के साथ एक ही रस्सी से बंधे होते हैं और पूरा कंट्रोल उसी के पास रहता है। इंस्ट्रक्टर आपके साथ ही जंप लगाता है, साथ ही ग्लाइड करता है और वही पैराशूट खोलता है और वह सेफली आपको जमीन तक लाता है। स्टेटिक लाइन जंप में आपको अकेले ही उड़ते हुए जहाज से कूदना होता है, लेकिन इस गोताखोरी में आप एक रस्सी के द्वारा हवाई जहाज से बंधे होते हैं और जंप लगाने के कुछ सेकेंड बाद पैराशूट अपने आप खुल जाता है। इस जंप के लिए फ्रेशर को 5 से 6 घंटों की ट्रेनिंग लेनी होती है। एक्सेलरेटेड फ्री फॉल सबसे कठिन और खतरनाक माना जाता है। इस जंप में आप किसी रस्सी से नहीं बंधे होते हैं और न ही कोई इंस्ट्रक्टर आपके साथ होता है। इस तरह की स्काई डाइविंग में आपको लगभग 12000 की ऊंचाई से खुद और अकेले ही कूदना पड़ता है और खुद ही तय वक्त पर पैराशूट खोलना पड़ता है। इसलिए यह स्काई डाइविंग करने के लिए आपको अच्छी तरह से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तब जाकर आप एक्सेलरेटेड फ्री फॉल स्काई डाइविंग कर सकते हैं। स्काई डाइविंग करना जितना आसान होता है उतना ही मुश्किल भी होता है। मुश्किल तब होता है जब 10000 फीट की ऊंचाई से कूदने का जी नहीं करता है या जब पैराशूट न खुले, लेकिन यह सिर्फ हजारों एक्टिविटी में से एक के साथ होता है, या यूं कहूं तो पैराशूट न खुलने के चांस न के ही बराबर होता है। स्काई डाइविंग करने वाले 10000 फीट की ऊंचाई पर हवा में कई पोजीशन में डाइव करते हैं, जैसे कि वे स्टैंड अप पोजीशन में डाइव कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं और क्रॉस पोजीशन में डाइव कर सकते हैं। स्टैंड अप पोजीशन के मुकाबले
क्रॉस पोजीशन यानी एक्स पोजीशन में डाइव करना स्काई डाइवर्स के लिए अच्छा होता है, क्योंकि एक्स पोजीशन में वो जल्दी नहीं गिरते हैं, और ये इसलिए यहाँ ऊंचाई से नीचे की ओर गिरने पर स्काई डाइवर्स पर एयर रेजिस्टेंस काम करता है। हालांकि एयर रेजिस्टेंस सभी वस्तु पर काम करता है, जो ऊंचाई से नीचे गिरता है या तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गुजरता है। अब आप सोचते होंगे कि एयर रेजिस्टेंस क्या होता है। एयर रेजिस्टेंस एक प्रकार का फोर्स है जो हवा के कारण उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप किसी वाहन से सफर करते हैं तो सफर के दौरान आपको हवा का सामना करना पड़ता है। गतिशील होने के कारण हवा आपको धक्का देता है और आप हवा को चीरते हुए आगे निकल जाते हैं। हवा के इसी बल को एयर रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसे हिंदी में वायु प्रतिरोध कहा जाता है। यही क्रिया लागू होता है स्काई डाइविंग में। स्काई डाइविंग में एयर रेजिस्टेंस को ड्रैग भी कहा जाता है। ये तो आप जानते ही होंगे कि पृथ्वी के ग्रेविटी के कारण ही कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरता है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस के कारण भारी वस्तु पहले गिरता है और हल्की वस्तु बाद में गिरता है। अगर वायुमंडल में एयर रेजिस्टेंस न हो तो भारी वस्तु और हल्की वस्तु दोनों एक ही साथ धरती पर गिरेगा। स्काई डाइविंग में भी अधिक वजन वाले स्काई डाइवर्स जल्दी गिरते हैं और कम वजन वाले अधिक समय तक हवा में तैरते रहते हैं। हवा में स्काई डाइवर्स को पृथ्वी का ग्रेविटी अपनी ओर खींचती है और गिरते वक्त हवा का छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स उन्हें नीचे आने से रोकते हैं और ऊपर की ओर पुश करते रहते हैं। आप यदि बिना पैराशूट के नीचे कूदते हैं तो आपका शरीर अधिक एयर रेजिस्टेंस पैदा नहीं कर पाता है और आप गति के साथ नीचे गिरते हैं। और यदि आप विमान से पैराशूट के साथ कूदते हैं और पैराशूट खोलते हैं तो पैराशूट प्रचुर मात्रा में एयर रेजिस्टेंस पैदा करती है, जिसके कारण आप धीरे धीरे नीचे आते हैं और सेफली लैंड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पंख नीचे गिरता है। तो दोस्तों, ये थी फिजिक्स ऑफ स्काई डाइविंग, जिसके कारण से स्काई डाइवर्स बिना खतरे के नीचे जमीन पर आ जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाए, ताकि आप जब भी YouTube पर आए तो सबसे पहले आपको हमारा वीडियो मिल जाए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।